हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके फेवरेट चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। ओके, तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मेंडल्स के लॉज, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल्स के जो कंक्लूजन थे। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल्स के कंक्लूजन, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने क्या क्या कंक्लूजन दिए। ठीक है, तो वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। ओके, तो हम लोगों ने ये जो मेंडल का पूरा टॉपिक है ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो हम लोग रीजंस भी देख लेते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे, वो उनके एक्सपेरिमेंट जो वो सक्सेस क्यों हुए, तो उसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, तो वो आज हम अब इस क्लास में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि व्हाई मेंडल वॉज सक्सेस। ओके, सो टुडे वी विल सी व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो रीजन है वो है मेंडल प्रोबेबली क्लोज टू स्टडी गार्डन पी। ओके, अब मेंडल ने जो गार्डन पी का ही क्यों यूज किया अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने के लिए, तो इसके लिए मेंडल ने बहुत सोचा होगा कि ऐसा कौन सा हम लोग प्लांट लें जिसमें हम लोग जो अपने एक्सपेरिमेंट हैं जेनेटिक्स के वो करें, जिससे हमें जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव मिले। ठीक है, तो उन्होंने लकली ही है चूजन द पी। ओके, क्यों पी को चूज किया था? तो पी को उन्होंने इसलिए चूज किया था क्योंकि ये क्या था, इजी टू ग्रो। ओके, क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो होता है, ऑलमोस्ट 14 डेज इट टेक, 14 डेज में आपको पूरा जो पी का प्लांट है वो मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ इजी टू हैंडल, इसे आप इजिली हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, इट इज हैविंग डिफरेंट वैरायटीज, इट इज आल्सो हैविंग डिफरेंट वैरायटीज विद डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, तो मेन क्या था कि इसमें बहुत से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। क्लियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे गार्डन पी के। जैसे इट इज वेरी इजी टू ग्रो, आप जैसे ही इसे, सबसे पहले आपको जो पी का सीड है उसे आपको एक ब्लॉटिंग पेपर में आपको उसमें रखना है और बाद में उसमें 2 से 3 दिन वेट करना है, उसके बाद जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका थोड़ा सा रेडिकल बाहर आता है उसके बाद आप जाइए और इसे डायरेक्टली आप सॉइल में जो है ग्रो कर दीजिए। ग्रो करने के बाद 14 डेज लगेगा और आपको जो होल प्लांट है वो इजिली मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप इस प्लांट को तो इजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना भी छोटा नहीं है, इसकी लीफ इतनी छोटी नहीं होती या है कि आप उसे हैंडल ना कर सके, या प्लांट ये ऐसा इतना सेंसिटिव है कि आप इसे अगर हाथ से पकड़ेंगे या कुछ करेंगे तो ये टूट फूट जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो ये इजी टू हैंडल हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अब इस गार्डन पी की बहुत सारी वैरायटीज भी प्रेजेंट है। अब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको अगर डिफरेंट वैरायटीज भी आपको चाहिए तो आप वैरायटीज भी आपको मिलेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इट इज हैविंग डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो मेन क्या था, डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, जैसे अगर आप पी का प्लांट देखेंगे तो उसमें आप अपने हाइट भी आपको मिल रही है। ठीक है, साथ में इसमें जो फ्लावर आ रहा है, ठीक है, उसका कलर भी आप ले सकते हैं, पॉड का कलर ले सकते हैं, सीड का शेप ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही आप पूरी जो प्लांट की लेंथ है उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेंडल वॉज वेरी लकी बिकॉज ही फाउंड ऑल द ट्रेट्स इन द सेम प्लांट, इन द पी प्लांट। ओके, बिकॉज ऑफ दिस ही हैड डन ऑल हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी। तो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन फॉर चूजिंग पी। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या था, इन दिस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन इज द रूल। ओके, नॉर्मल सी बात है, कोई भी प्लांट हो तो उसमें जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन्स होता है वो पॉलिनेशन की हेल्प से ही होता है। ये पॉलिनेशन जो है वो जो है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन, मीन्स एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल एलॉन्ग विद दैट क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन तो होता ही होता था एज वी ऑल नो, तो इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम आर्टिफिशियल मीन वी कैन आल्सो डू क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स एक प्लांट ये हो गया, ठीक है, एक प्लांट ये हो गया, अगर हम चाहें कि दो प्लांट के बीच क्रॉस पॉलिनेशन का है तो नॉर्मली क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ सम इंसेक्ट्स और विंड और एयर और सम अदर मोड्स ऑफ
अदर मोड्स ऑफ ट्रांसफर विल बी पॉसिबल. ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दोज वी कैन डू द क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो पॉलन गेन्स है, कभी उसे कोई बैट के थ्रू होता है, या कभी हम लोग वो देखते हैं कोई इंसेक्ट है उसके थ्रू जो पॉलन गेन्स है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, या कभी ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स के पॉलन गेन जो है वो विंड के थ्रू उड़ के आ जाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि कोई इंसेक्ट लेके आता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है. ठीक है, तो मेंडल ने क्या देखा कि इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, और हम लोग आर्टिफिशियली चाहें तो आर्टिफिशियली हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये इनका सेकेंड रीजन था. ठीक है, सेकेंड रीजन था सक्सेस के लिए. थर्ड रीजन उन्होंने क्या बताया, थर्ड रीजन उन्होंने बताया था सेवन कैरेक्टर स्टडीड बाय हिम आर लोकेटेड ऑन फोर डिफरेंट क्रोमोसोम्स. ओके, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने जितने भी सेवन कैरेक्टर लिए, चाहे वो प्लांट की हाइट हो, चाहे शेप ऑफ द सीड हो, ओके, चाहे शेप ऑफ द सीड हो, चाहे हम लोग बोल सकते हैं जो और कैरेक्टर इन्होंने लिए थे. ठीक है, चाहे वो शेप ऑफ सीड, चाहे शेप ऑफ द लाइक लेंथ ऑफ द प्लांट हो. ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि जितने भी सेवन कैरेक्टर थे वो दे आर लोकेटेड ऑन द फोर डिफरेंट क्रोमोसोम. ओके, बिकॉज ऑफ दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल. ओके, अलॉन्ग विद ही ऑल्सो टेल दैट सम ऑफ द कैरेक्टर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. ओके, ऑन द सेम क्रोमोसोम, बट इफ दीज कैरेक्टर दे आर प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम स्टिल दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. ये नहीं कि एक क्रोमोसोम में ही सारे कैरेक्टर हों, इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, या एक ही क्रोमोसोम में सारे जीन हो, इट इज नॉट लाइक दैट. तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी उन्होंने सेवन कैरेक्टर लिए वो मोस्टली लोकेटेड थे फोर डिफरेंट क्रोमोसोम में, और वो कैरेक्टर जो एक ही क्रोमोसोम में थे लेकिन वो क्या थे, बहुत ही दूर थे, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. क्लियर, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वन लॉ ही हैज गिवन दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया. क्लियर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो विद द डिस्कवरी ऑफ दिस, या विद द रीजन दिस, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही हैज गिवन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि एक जो कैरेक्टर है या एक ट्रेट है, इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर और द अदर ट्रेट. जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बता ही दिया था पहले, जैसे हमने हाइट ले लिया, हाइट में दो ट्रेट हो गई, एक टॉल हो गई, एक ड्वार्फ हो गई. क्लियर, वहीं अगर हम लोग फ्लावर का कलर ले लें, इफ यू टेक फ्लावर कलर एज अ सेकेंड कैरेक्टर, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें या तो पर्पल होगा या वाइट. फॉर एग्जाम्पल पर्पल हुआ, दूसरा वाइट हुआ. क्लियर, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेस पे, ये जो टॉल है, या हम बोल सकते हैं द कैरेक्टर, द फर्स्ट वन कैरेक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस द अदर कैरेक्टर, मीन्स इट विल आल्सो सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द सेकंड कैरेक्टर इट विल आल्सो सेग्रीगेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, और द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इट इज वैलिड ओनली फॉर वन कैरेक्टर. ओके, दैट्स व्हाई वी स्टडी इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, where we have seen the only, like we have taken the height as an example, and then we like studied about the monohybrid cross, and there we discuss about the law of segregation also, because there we are considering only one character. But here in this case, when different character are present on the different chromosome, okay, and the character which are present on the same chromosome, they are still very far from each other, they are not very closely packed, they are still very far from each other. Because of that, here what happened, this character, or we can say that this trait, it will not influence the other character or other trait. Okay, and both these character or trait, they are segregating independently. Okay, because of that he has given the law of independent assortment. Okay, next region kya tha, next region tha, he was lucky in choosing those trait which showed complete independent assortment. Clear, jaise maine aapko already bataya कि इन्होंने दो कैरेक्टर लिए, इनमें क्या हुआ, एक कैरेक्टर इन्होंने क्या देखा कि एक जो कैरेक्टर है इट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर. इसके बाद ही इन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया. इन्होंने देखा कुछ प्लांट जो है उसमें टॉल प्लांट भी है और उनका फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल है, लेकिन कुछ डॉर्फ प्लांट है उसका भी कलर पर्पल है. ठीक है, सिमिलर वे में डॉर्फ प्लांट देखे उसका भी कलर पर्पल है, और जो डॉर्फ पर कुछ और देखे उसमें जो कलर है वो भी वाइट है, वो व्हाइट भी है. तो इन्होंने देखा, अरे ये टॉल प्लांट भी, इसमें भी दोनों टाइप के फ्लावर कलर प्रेजेंट है इस प्लांट में, वहीं अगर डॉर्फ प्लांट देखे इसमें भी है. तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर द कैरेक्टर दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग ईच अदर. ओके, एंड द कैरेक्टर एंड ट्रेट दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ऑन द अदर कैरेक्टर और अदर ट्रेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस. आफ्टर दैट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स विल फॉर्म, एंड दीज गैमेट दे कंबाइंड. ओके, आफ्टर कंबाइनिंग विद अदर
देन दे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा चौथा रीजन हो गया। अब फिफ्थ रीजन देख लेते हैं। फिफ्थ रीजन इन्होंने क्या दिया, फिफ्थ रीजन इन्होंने दिया कि मेंडल कंफर्म्ड हिज अटेंशन टुवर्ड वन कैरेक्टर एट अ टाइम। बिल्कुल सही बात है, मेंडल ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने सबसे पहले एक ही कैरेक्टर को देखा। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना किया तो उन्होंने देखा, या उन्होंने जब वो गार्डन अपने गार्डन में गए उन्होंने पी के प्लांट को देखा तो उन्होंने देखा कुछ प्लांट जो है वो टॉल हैं कुछ ड्वार्फ हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद उसकी स्टडी सबसे पहले ही दी कि उन्होंने देखा कि अरे ये प्लांट टॉल है ये ड्वार्फ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसकी स्टडी की विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ओके, तब उन्होंने देखा अच्छा तो ये होता है। उसके बाद ही उन्होंने क्या किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या देखा, व्हेन द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर दैट ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। क्लियर, तो सबसे पहले क्या आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अरे कुछ ऐसे प्लांट्स भी इसमें दो दो कैरेक्टर हैं, जैसा मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपसे डिस्कस किया। ठीक है, जैसे टॉल प्लांट है उसमें पर्पल कलर के भी फ्लावर हैं, व्हाइट कलर के भी फ्लावर हैं, वहीं ड्वार्फ प्लांट है उसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर है और साथ ही साथ व्हाइट कलर के फ्लावर है। अब उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तब उन्होंने क्या किया, जब एक कैरेक्टर या हम बोल सकते हैं व्हेन ही कंफर्म द वन कैरेक्टर एट अ टाइम आफ्टर दैट ही स्टडी द अदर कैरेक्टर मींस ही हैज टेकन द अदर कैरेक्टर। ओके, देन ही चूज टू कैरेक्टर्स एंड देन दे हैव ही हैज गिवन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट द लॉ ऑफ और वी कैन से द कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ वन कैरेक्टर। ओके, मीन्स द कैरेक्टर और ट्रेट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर कैरेक्टर और ट्रेट। ओके, मीन्स वन कैरेक्टर देयर डजंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन द अदर कैरेक्टर, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एंड देयर सेग्रीगेशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट्स इट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दे दिया। ठीक है, तो इससे पता चला अच्छा तो ये होता है, इसी वजह से जो प्लांट है उसमें दोनों कलर के फ्लावर हैं, अगर टॉल प्लांट है तो उसमें पर्पल कलर भी व्हाइट कलर भी, वहीं अगर जो ड्वार्फ प्लांट है उसमें भी पर्पल कलर व्हाइट कलर दोनों, इसलिए तो इसका मतलब है कि दोनों जो कैरेक्टर है दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर और द टू ट्रेट्स दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर एंड दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली। ओके, तो इससे इन्होंने क्या दे दिया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लास्ट हमारा क्या है रीजन था कि ही मेड क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ ईच प्रोजेनी दैट रिजल्टेड फ्रॉम अक्रॉस। क्लियर, तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस ले लिया, हम लोग ले ले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो इन्होंने क्या किया, पेरेंट लिए प्योर टॉल प्योर डॉर फॉर एग्जांपल, उसके बाद क्रॉस कराया, उसके बाद उन्हें प्रोजेनी मिली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी स्टडी की, ही मेड अ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ईच प्रोजेनी। अब उस क्रॉस से जो भी प्लांट्स इन्हें मिले उन्होंने उसकी पूरी स्टडी की। ठीक है, स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ रेशियो निकाला। ठीक है, और उस रेशियो को निकालने के लिए उन्होंने जितनी प्रोजेनी ऑप्टेन हुई, चाहे वो F1 जनरेशन में हो चाहे F2 जनरेशन में, उन्होंने सबकी एनालिसिस की। उसके बाद ही उन्होंने जो है कुछ रेशियो दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ही मेड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ईच प्रोजेनी दैट रिजल्टेड फ्रॉम अक्रॉस। ओके, तो ये क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा कि मेंडल जो है वो सक्सेस क्यों हुए, व्हाई ही इज लाइक लकी for like conducting positive result from his experiment. Okay, so these are the six important reasons which are very helpful, or we can say which will be like very important for the success of Mendel. So this is a very important for you people to know about the these important points फॉर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है आपको उसे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सके अपने दोस्तों के साथ या अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।